हाय, तो कैसे आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने डेली घर का खाना खाते हुए अपने फैट को कैसे कम कर सकते हैं, आप फिट कैसे रह सकते हैं। आपको कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, आपको एक एब्स रिप्ड बॉडी नहीं बनानी, बड़े बाइसेप्स ट्राइसेप्स ये सब नहीं बनाने, बस आपको फिट रहना है। आपके थोड़ा बहुत बेली फैट है, आपको उसे ख़त्म करना है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ज़्यादा देर ना करते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला पॉइंट है इंक्रीज योर प्रोटीन इंटेक। आप अपने प्रोटीन इंटेक को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफस्टाइल में राजमा, छोले, चने, टोफू, पनीर, मिल्क, दही, एग वाइट्स, इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। एग वाइट्स उनके लिए जो नॉन वेजिटेरियंस है, जो वेजिटेरियंस है उनके लिए मैंने जितने भी पहले ऑप्शन बताया, आप इन सारी चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में ऐड कीजिए। नॉर्मली अपने घरों में रोटी सब्जी बनती है, हाँ मैं मानता हूँ, बट सब्जी की जगह आप ये चीज़ें ऐड कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपका फैट लॉस करने में, वेट लॉस करने में। सेकेंड पॉइंट, डिक्रीज योर कार्ब इनटेक। नॉर्मली घरों में आपने देखा होगा हम सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, हम हर सब्जी में आलू को ऐड करते हैं, आलू गोभी, आलू पत्ता गोभी, आलू पालक, आलू फली। तो आपको क्या करना है, आलू का रेशियो कम रखना है, बाकी सब्जियों का ज़्यादा। ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आप आलू पत्ता गोभी बना रहे हैं, तो नॉर्मल घरों में अगर आप बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एक पत्ता गोभी यूज़ कर रहे हो और तीन आलू यूज़ कर रहे हो, उसकी जगह आपको यूज़ करनी है मान लो 1.5 आप पत्ता गोभी यूज़ करो और 2 या 1.5 आप आलू यूज़ कर सकते हो। तो अपनी जो भी सब्जी बना रहे हो आप, उसका रेशियो देखो, आलू का रेशियो कम रखो, दूसरी सब्जी का ज़्यादा रखो। ये छोटी छोटी बातें आपको वेट लॉस करने में, फैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देंगी। थर्ड पॉइंट, चेंज योर कुकिंग ऑयल। नॉर्मली घरों में आपने देखा होगा देसी घी में खाना बनता है, और मस्टर्ड ऑयल में, रिफाइंड ऑयल में। आप बाहर से खरीद के लाते हो, आपको नहीं पता इनमें कितनी एडल्ट्रेशन है, कितनी मिलावट होती है। आप इनकी जगह कोकोनट ऑयल यूज़ करिए, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करिए। अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं कर सकते तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए। तो इस चीज़ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपका फैट लॉस और वेट लॉस करने में। फोर्थ पॉइंट है डिवाइड योर मील इनटू पोर्शंस। मान लो आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हो, मान लो आप पूरे दिन में 9 रोटी खाते हो, 3 रोटी ब्रेकफास्ट में खाते हो, 3 रोटी आप लंच में खाते हो और 3 रोटी आप डिनर में खाते हो। आपको ऐसा नहीं करना, आप इन्हीं 9 रोटी को पार्टीशन में, पोर्शंस में करके आप दिन में उनको 5 बार खाइए। मान लो आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, मान लो आपने ब्रेकफास्ट किया 8 बजे, आप लंच कर रहे हो 1 बजे, तो आप 8 से 1 के बीच में यानी कि 11 बजे आप इन दोनों मील का थोड़ा सा कंबाइन करके कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने लंच किया, ठीक है, लंच का थोड़ा बहुत और डिनर का थोड़ा बहुत लेकर आप 4 बजे एक मील बना के तब खा सकते हैं, देन आप सीधा डिनर कर सकते हैं। तो आप अपनी मील को, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर को 5 पोर्शन में डिवाइड कीजिए। फिफ्थ पॉइंट है अवॉइड शुगर कम्प्लीटली। हाँ जी, आपको शुगर को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। अगर आप फिट रहना चाहते हो, आप अपने बेली फैट को घटाना चाहते हो, तो शुगर आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो और शुगर खा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं आपका वेट लॉस करने का। एक पॉइंट और निकल के आता है इसमें, एक पॉइंट, लोग कहते हैं कि फ्रूट्स तो हेल्दी होते हैं। भाई मैं तो फ्रूट खा रहा हूँ, वो तो हेल्दी है, फ्रूट में भी बहुत ज़्यादा शुगर, हिडन शुगर्स होती हैं। आपको फ्रूट को भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। ये नहीं है कि आप रोज़ रात को डिनर में फ्रूट्स खा रहे हो और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो, तो आपको फ्रूट्स को भी अवॉइड नहीं करना। खाने हैं फ्रूट्स, फ्रूट्स अच्छी चीज़ है आपको, बट लिमिटेड अमाउंट में फ्रूट खाने हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में फ्रूट खाने हैं। सिक्स्थ पॉइंट है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए एम्प्टी स्टमक। सुबह उठते ही आप वॉक पे जा सकते हैं, आप रनिंग पे जा सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप कार्डियो कर सकते हैं, बट अपने शरीर को एटलीस्ट आधा घंटा तो ज़रूर दें। आप आधे घंटे में कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और बेल आइकन जरूर दबाना, जैसे भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताना मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तब तक के लिए गुड बाय।